ये अमेरिकन डायरेक्टर स्कॉट कीपर की बनाई गई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है जो 2021 में यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक स्कूल टीचर के गिर्द घूमती है जिसको ये डाउट था कि इसका एक स्टूडेंट अपने ही घर में कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत का शिकार है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसका वही स्टूडेंट अपने घर में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत को पाल रहा है जो इसके लिए बहुत ही बड़ी और खतरनाक साबित होगी। वो कैसे साबित होगी इसके लिए हम मूवी की स्टोरी को देखते हैं। ये यूएसए की स्टेट ओरेगन में सिस्पेस फॉल्स का एक छोटा सा टाउन है जहां हम एक माइन को देखते हैं। यहां पर एक 7 ईयर ओल्ड छोटा लड़का जिसका नाम एडन होता है, उसे माइन में से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी और इन आवाजों से डरते हुए वो अपनी गाड़ी में आकर छुप जाता है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक वीवर होता है और वो इस छोटे लड़के यानी कि एडन का फादर था। जब इस छोटे बच्चे का फादर इसके पास आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे माइन से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। तब फ्रैंक अपने बेटे को कहते हैं कि शायद तुम्हें माइन में काम होने की आवाजें आ रही होंगी। दरअसल फ्रैंक एक माइन में काम करते थे और अपने बेटे को ये कहते हैं कि हम अपना काम जल्दी से खत्म करके तुम्हारे भाई लोकस के पास जाएंगे, और ये कहते ही अपने साथी के साथ माइन में काम करने के लिए चले जाते हैं। अब जब फैंग अपने साथी के साथ माइन में काम कर रहा होता है तो उसे वही आवाजें सुनाई दे रही थीं जो इनके बेटे को पहले आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम देखते हैं कि माइन में काफी अंधेरा है और वो फ्लायर्स जलाकर उस आने वाली आवाज को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक काफी बड़ा क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है। उनके चलाने की आवाज कार में बैठा हुआ वो बच्चा यानी कि एडन भी सुन लेता है। एडन ये खौफनाक आवाज सुनकर वो भी माइन की तरफ आने लगता है। वो माइन के डोर पर खड़ा होकर अपने फादर को आवाजें लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाजें लगाने के बावजूद भी उसके फादर बाहर नहीं आते तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंदर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उस क्रिएचर ने उस बच्चे के साथ क्या किया। इसके बाद हम मूवी में 3 हफ्तों के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूलिया है और वो एक स्कूल टीचर है। वो अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो बच्चों को कोई स्टोरी सुना रही होती है और स्टोरी कंप्लीट करने के बाद क्लास में एक 12 ईयर ओल्ड बच्चे को कहती है, अब तुम हमें कोई अपनी स्टोरी सुनाओ। ये बच्चा उस आदमी का बड़ा बेटा था जिस पर माइन में क्रिएचर ने अटैक किया था, यानी कि फ्रैंक का बड़ा बेटा था और एडम का बड़ा भाई भी था और इसका नाम लोकस है। स्कूल टाइमिंग खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट लोकस को काफी परेशान करते हैं और मेंटली टॉर्चर भी करते हैं, डिस्कर्ज करते हैं। स्कूल टाइम के बाद लोकस माइन की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक छोटा जानवर दिखाई देता है। वो एक छोटे पत्थर से उस जानवर को मार देता है और जानवर को मारने के बाद अपने बैग में रख लेता है। ऐसा करने के बाद वो वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम अंधेरे में एक बंद रूम को देखते हैं जो अच्छे से बंद किया गया था जिसमें रोशनी भी नहीं जा सकती थी। इस सीन के बाद हम जूलिया को देखते हैं जो अपने घर पर थी और इसके घर में इसकी फैमिली में से बस इसका भाई ही था और इसका दुनिया में भाई के अलावा कोई भी नहीं था। इसके भाई का नाम पॉल होता है। पॉल एक पुलिस ऑफिसर थे। फिर हम देखते हैं लुकस अपनी फैमिली फोटो को देख रहा होता है जब उसे उसी बंद डार्क रूम में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें बंद रूम के डोर को जोर जोर से पीटने की आ रही थी, यानी कि कोई रूम के अंदर डोर को तोड़कर बाहर आना चाह रहा था और इस सीन से लोकस काफी डर जाता है। अब हम नेक्स्ट डे में देखते हैं जहां टीचर जूलिया लोकस से कहती है कि तुम मुझे अपनी लाइफ की कोई स्टोरी सुनाओ। फिर लोकस स्टोरी सुनाने लगता है। वो सुनाता है कि एक सिटी में 3 भालू रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से 3 भालू में से 2 भालू कुछ अजीब तरह की मूवमेंट्स करने लगते हैं। वो बहुत ही अजीब से हो गए थे, गुस्से वाले हो गए थे, खूनखार और खौफनाक हो गए थे। लोकस की कहानी सुनने के बाद हमें ये लगता है कि शायद उसने अपनी फैमिली की कहानी लिखी हुई है और लोकस की कहानी सुनकर उसकी टीचर भी बहुत हैरान थी और उसे कहती है कि तुम्हारी कहानी अच्छी है। अब स्कूल टाइम खत्म होने के बाद कुछ लड़के लोकस को फिजिकली टॉर्चर करते हुए मारने लग जाते हैं। ये देख
जाकर स्कूल टीचर जूलिया उन लड़कों से लूकस को बचाती है और उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आती है और डॉक्टर अच्छी तरह से लूकस का चेकअप करती है और जूलिया लूकस के घर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसके घर में से कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। हम फिर से डार्क रूम को देखते हैं जहाँ अब हमें इस रूम में से एक क्रिएचर दिखाई देता है जो इस डार्क रूम से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अब हम जूलिया को स्कूल टाइमिंग के बाद देखते हैं जहाँ वो देखती है कि लूकस एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर शीशे में से अंदर देख रहा है। जूलिया उसे अंदर ले जाकर उसे खाना खिलाती है। खाना खाते हुए ही जूलिया लूकस से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लग जाती है और लूकस उसे बताता है कि मेरा एक भाई है जो हमेशा से मेरे फादर के साथ ही रहता है। अब जैसे ही वो लूकस से उसके फादर के बारे में पूछती है तो अपने फादर का नाम बताते हुए ये कहता है कि मुझे देर हो रही है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ और आप मेरे पीछे मत आइएगा। ये कहते हुए ही लूकस रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अब घर जाते हुए उसे रास्ते में एक मरा हुआ एनिमल दिखाई देता है। लूकस उसे भी अपने बैग में रखकर उसे अपने घर ले जाने लगता है। स्कूल टीचर जूलिया लूकस की फैमिली से मिलने के लिए उसके घर पर आई थी। अब जैसे ही वो घर का मेन डोर ओपन करती है तो उसे घर में से कुछ खौफनाक आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें इतनी खौफनाक थीं कि जूलिया मजीद किसी और चीज को चेक ना करते हुए वो फौरन से ही उस घर से घबराते हुए निकल पड़ती है। घर आकर जूलिया लूकस की बनाई हुई एक ड्राइंग देखने लगती है और इस ड्राइंग में क्रिएचर का एक खौफनाक फेस बनाया हुआ था। वो ड्राइंग को चेक करते हुए इतना डरी हुई थी कि जैसे ही उसका भाई वहां आकर जूलिया के शोल्डर पर हाथ रखता है तो वो फौरन से ही डर जाती है। अब हम लूकस को देखते हैं जो अपने बैग से जानवर को निकाल कर उसे काटने लगता है। वो उसे काट कर एक प्लेट में रखता है और डार्क रूम की तरफ जाने लगता है। वो गोश्त की प्लेट को उस डार्क रूम में रख देता है और फिर लूकस के फादर वहां आते हैं और उसी मीट को खाने लगते हैं। इस सीन में हमें ये बात पता चलती है कि अब लूकस के फादर एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो एक क्रिएचर बन गए हैं। और अब हम यहाँ पर लूकस के छोटे भाई एडन को भी देखते हैं जो अपने फादर के साथ उसी मीट को खाने लगता है। यहाँ पर एडन पूरी तरह से एक क्रिएचर नहीं बना था लेकिन उसके फादर क्रिएचर में बदल गए थे और इस डार्क रूम में बंद ये दोनों बाप बेटा ही थे। अब लूकस के फादर फ्रैंक जो एक क्रिएचर थे वो और उनका छोटा बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं जिसकी वजह से लूकस काफी डर जाता है, घबरा जाता है और उस रूम से बाहर आकर उस रूम को अच्छे से बंद कर देता है। अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बालू वाली कहानी जो लूकस ने क्लासरूम में सुनाई थी दरअसल ये इनके घर की कहानी थी। यहाँ पर हमें लूकस के फादर और भाई के क्रिएचर में बदलने की वजह पता चलती है। मूवी के स्टार्ट में हमने जो माइंड में फ्रैंक के साथ एक क्रिएचर का सीन देखा था तो फ्रैंक पर क्रिएचर ने अटैक कर दिया था, उसे काट लिया था और काटने से इन्फेक्टेड होकर फ्रैंक क्रिएचर में बदल गया है और इसलिए लूकस बाहर से किसी जानवर को मार कर घर ले आता है और उसे प्लेट में रख कर अपने फादर और भाई को खिलाता है। उधर जूलिया अपने घर में बैठ कर पियानो बजा रही थी लेकिन तभी उसे अपने फादर के अजीब तरह के ख्वाब आने लगते हैं और उस दौरान ही वो डर जाती है और डरते हुए जोर से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज से उसका भाई पॉल वहां पर आता है और आते ही उससे चीखने की वजह पूछता है और कहता है आर यू ओके। फिर जूलिया उसे अपने डरने की वजह ना बताते हुए अपने ठीक होने का कहती है। इसके बाद वो पॉल से लूकस के फादर के बारे में पूछने लगती है। पॉल उसे बताता है कि लूकस के फादर जिसका नाम फ्रैंक है वो एक माइन में काम करता है, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है लेकिन अपनी वाइफ की डेथ के बाद वो ही अपने बच्चों का ख्याल रख रहा है। उसके सिर्फ दो ही बेटे हैं, एक 12 साल का और दूसरा 7 साल का और अब वो ड्रग्स लेता है। ड्रग यूज की वजह से उसे मैंने अरेस्ट करने की कोशिश भी की लेकिन वो हमेशा से अपने बच्चों की वजह से बच जाता रहा है क्योंकि उसके बाद उसके बच्चों को पालने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर जूलिया उसे बताती है कि उसका बड़ा बेटा जिसको तुम 12 साल का बोल रहे हो वो मेरा स्टूडेंट है और उसी का नाम लूकस है। मैं कल उसके घर पर गई थी लेकिन मुझे उसके घर पर कोई भी नजर नहीं आया और जैसे ही मैं उनके घर में इंटर हुई तो मुझे बहुत ही डरावनी आवाजें आने लगी थी जिसकी वजह से मैं वहां से डर कर भाग गई। अब हो ना हो उसके घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है। ये सब सुनने के बाद पॉल उसे वहां पर जाने से मना
करता है। अब हम फिर से लूकस को देखते हैं जो अपने घर ही था और एक अजीब तरह की ड्राइंग बना रहा था, लेकिन उसी वक्त उसका भाई डार्विन से आवाज लगाता है कि लूकस मुझे खाने को कुछ दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। और लूकस उसकी बात को इग्नोर करते हुए सो जाता है। अब अगली सुबह लूकस अपने फादर और भाई के खाने के लिए पास ही एक जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाने लगता है, लेकिन उसके ट्रैप बनाते हुए ही एक ओल्ड मैन वहां आ जाता है। इस ओल्ड मैन का नाम वॉरेन स्टॉ होता है। वॉरेन स्टॉ ये बात नोट करता है कि एक डेड बॉडी लूकस के पास ही पड़ी हुई है और उस डेड बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये देखकर वॉरेन पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है। फिर हम जूलिया को क्लासरूम में देखते हैं जहां वो लूकस की सीट को चेक करने लगती है। उसे वहां एनिमल ट्रैपिंग की एक बुक मिलती है। बुक के अलावा उसे वहां से एक ड्राइंग बुक भी मिलती है जिस पर लूकस बहुत ही हॉरिबल ड्राइंग बनाया करता था। ड्राइंग बुक को ओपन करने के बाद वो देखती है कि बुक पर बहुत ही अजीब किस्म की ड्राइंग बनाई हुई थी। अब वो ये ड्राइंग बुक और एनिमल ट्रैपिंग की बुक लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि लूकस के साथ उसके घर में कुछ न कुछ तो ऐसा चल रहा है जो लूकस हमसे छुपा रहा है। हो सकता है कि उसके फादर ही उसे टॉर्चर करते हों, जो बहुत ही गलत बात है। जूलिया की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल उसे कहती है कि अब मैं उसके घर जाऊंगी और इसके चेंजिंग बिहेवियर के बारे में भी पता लगाऊंगी और मैं उसके फादर से भी बात करूंगी। अब जूलिया जब घर वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में अपना भाई पॉल दिखाई देता है जो उस टाइम काफी परेशान था, और जूलिया उससे पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। जिस पर पॉल उसे बताता है कि मेरे एक साथी को जंगल में एक डेड बॉडी मिली है और इस डेड बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि किसी जंगली जानवर ने उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह मार दिया हो। अब हम लूकस को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को खाना खिला रहा होता है, लेकिन खाना खाते हुए ही वो खांसने लगता है और उसके मुंह और आंखों से काले रंग का खून निकलने लगता है। इस तरह की अपने भाई की हालत देख कर वो काफी डर जाता है और डार्क रूम से बाहर आ जाता है। अब हम उसी डेड बॉडी को देखते हैं जो जंगल में से मिली थी। उस डेड बॉडी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर भी उस डेड बॉडी की इतनी बुरी हालत देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर के चेक करने के बाद वो पॉल को बताता है कि इस डेड बॉडी पर जानवरों के नहीं बल्कि किसी इंसानी दांतों के निशान हैं। ये सुनकर पॉल को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान भी किसी को इतनी बुरी तरह से काट सकता है, मार सकता है। अब हम स्कूल प्रिंसिपल को देखते हैं जो लूकस के घर पर आई थी। उसे भी उसके घर पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था और लूकस के फादर को आवाज लगाते हुए ही घर के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद प्रिंसिपल को लूकस के भाई की आवाजें आने लगती हैं। वो डार्क रूम के डोर को ओपन करके अंदर आ जाती है और वहां पर वो लूकस के भाई को देखती है और उसकी भाई की हालत बिल्कुल खराब थी, वो ठीक नहीं लग रहा था। और उसी वक्त लूकस के फादर पीछे से आकर प्रिंसिपल पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे खाने लगता है, जिससे स्कूल प्रिंसिपल की बहुत ही बुरी तरह से डेथ हो जाती है। फिर कुछ देर में ही लूकस के फादर के अंदर कुछ चेंजिंग आने लगती है और फिर देखते ही देखते एक क्रिएचर उसकी बॉडी को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल अपने टीम के साथ उसी माइन में आ जाता है जहां फ्रैंक काम किया करता था। माइन के अंदर जाने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। वहां उन्हें एक टूटा हुआ सींग भी मिलता है जो देखने में किसी जानवर का सींग नहीं लग रहा था। अब जब लूकस घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपना क्लासमेट मिलता है जो लूकस को परेशान करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब अचानक ट्रिप पर एक क्रिएचर आ जाता है और लूकस के क्लासमेट पर अटैक करने लगता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से खा जाता है। और इसी दौरान लूकस मौके का फायदा उठा कर वहां से भागने लगता है और भागते हुए अपने घर आ जाता है। अपने घर के बाहर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी दिखाई देती है, इसलिए वो सारी बात समझ जाता है और जल्दी से उसी डार्क रूम की तरफ जाने लगता है। और डार्क रूम में पहुंचने के बाद वो काफी घबरा जाता है क्योंकि ना तो उसे वहां अपने फादर मिलते हैं और ना ही भाई, और उसे सारे रूम में बस खून ही खून नजर आ रहा था। रूम की विंडो भी टूटी हुई थी जिससे वो समझ जाता है कि प्रिंसिपल को उसके भाई और फादर ने मार कर खा लिया है और प्रिंसिपल को खाने के बाद वो दोनों यहाँ से भाग गए हैं। अब लूकस इस मैटर में खुद को शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बाहर खड़ी प्रिंसिपल की गाड़ी को छुपा देता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल जूलिया को बताता है कि तुम्हारे
स्कूल की प्रिंसिपल कहीं गायब है जो अभी तक मिल नहीं रही, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई है। अब जूलिया उसे बताती है कि आज तो मैंने उन्हें लूकस के बारे में बताया था, शायद वो उसके घर पर गई हो। अब फिर से लूकस को देखते हैं जो डार्क रूम से खून को साफ कर रहा था, और इसी वक्त उसके घर पर पॉल आ जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन लूकस पॉल की आवाज का कोई जवाब नहीं देता और वहां पर ही छुप जाता है। अब घर का मेन डोर बंद होने की वजह से और आवाज देने के बावजूद भी बाहर कोई नहीं आया, तो इसलिए पॉल वहां से निकल जाता है। अगले दिन पॉल स्कूल में आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, और यहां पर पॉल स्टाफ को ये यकीन दिला रहा था कि मैं प्रिंसिपल को ढूंढ लूंगा, लेकिन जूलिया को ये यकीन नहीं था कि उसका भाई फिर से प्रिंसिपल को ढूंढ पाएगा। फिर जूलिया जाकर ये चेक करती है कि क्या आज लूकस स्कूल आया है, और अब यहाँ पर जूलिया ये दिमाग लड़ाती है कि लूकस तो स्कूल में है और वो खुद अकेली उसके घर की तरफ चली जाती है ये चेक करने के लिए कि प्रिंसिपल शायद उधर ही हो या उधर ही कुछ हो गया हो। लूकस के घर पहुंचकर उसे प्रिंसिपल की गाड़ी मिल जाती है जिसे लूकस ने छुपाया था, और प्रिंसिपल की गाड़ी देखकर जूलिया अपने भाई को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है। अब पॉल अपनी टीम को लेकर लूकस के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पूरे घर को चेक करने लगता है। उन्हें उसी डार्क रूम से प्रिंसिपल की डेड बॉडी के साथ एक और इंसान की डेड बॉडी मिलती है, जो डेड बॉडी लूकस के फादर की थी यानी के फ्रैंक की थी, और वो क्रिएचर फ्रैंक की बॉडी को फाड़ कर ही तो बाहर आया था, और पुलिस ये सब देख कर काफी शॉक्ड हो जाती है। उसी वक्त लूकस अपने घर आ रहा होता है, तो जूलिया उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है और उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आती है, और डॉक्टर लूकस को चेक करने के बाद इन्हें बताता है कि लूकस इस टाइम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। यहाँ पर पॉल उसे बताता है कि तुम लूकस के बारे में इतना क्यों सोच रही हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और जूलिया उसे बताती है कि लूकस के भाई का कुछ भी पता नहीं है, ना ही उसके फादर घर पर मौजूद है। मेरे ख्याल में लूकस का कोई भी दुनिया में नहीं है, लूकस मेरा स्टूडेंट है, तो इस लिहाज से वो मेरी जिम्मेदारी है। अब इतना सब कुछ कहने के बाद जूलिया वहाँ से चली जाती है। लूकस को अपनी कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि लूकस के फादर जब क्रिएचर से इन्फेक्टेड हो गए थे तो वो अपने दोनों बेटों को अपने आप से दूर रखने लगे थे, और उसने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था जो बाद में डार्क रूम बन गया था। वो बाहर आकर अपने बच्चों को बताता है कि मेरे बेटो सुनो, मैं बहुत बीमार हूँ और तुम इस रूम के डोर को बाहर से अच्छे से बंद कर लेना, जब तक मैं ना कहूँ इस डोर को ओपन मत करना। अब लूकस को इस बात का इलम नहीं था कि उसके फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद लूकस उस डार्क रूम का डोर ओपन करता है और देखता है कि उसके फादर की काफी अजीब हालत हो गई है, और फिर लूकस अपने फादर को कहता है कि एडन की हालत भी काफी खराब हो रही है। ये सुनने के बाद लूकस के फादर एडन को भी अंदर खींच लेते हैं और फौरन ही डोर को बंद कर देते हैं। अगले सीन में जूलिया और पॉल उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने जंगल में उस डेड बॉडी के बारे में बताया था, यानी के वार्न स्टॉक्स। अब जूलिया उसे लूकस की बनाई हुई ड्राइंग दिखाने लगती है। ये ड्राइंग देखने के बाद वार्न स्टॉक काफी शॉक्ड हो जाता है। पॉल वार्न को वही सीन भी दिखाता है जो उसे माइन में से मिला था। ये सीन देखने के बाद वार्न उसी क्रिएचर को एक बुक में देखता है और बताता है कि इस क्रिएचर का नाम वेंडिगो है, और वो ये भी बताता है कि जब वेंडिगो नाम का क्रिएचर किसी इंसान पर अटैक करता है तो वो भी क्रिएचर में बदलने लगता है, और वो इंसान जो क्रिएचर बनने के बाद इंसानी गोश्त को खाना ही पसंद करता है। वार्न की इस तरह की बातें सुनकर पॉल को कोई भी यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ये कहानियां हैं और फजूल बातें हैं, और मैं इस तरह की फजूल बातों पर यकीन नहीं करता। वार्न उस क्रिएचर की कमजोरी का भी बताता है कि इस क्रिएचर को उस टाइम मारा जा सकता है जब क्रिएचर की हालत काफी कमजोर हो और उसे मारने के लिए उसके दिल को बाहर निकालना होगा, और इस क्रिएचर का दिल हमेशा से ही चमकता रहता है। अब पॉल इसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, जस्ट इग्नोर कर रहा था। अब जब वो घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे उसकी साथी की कॉल आती है। वो साथी पॉल को बताता है कि उसे जंगल में एक डेड बॉडी मिली है, इसलिए पॉल उसे मिलने वाली डेड बॉडी की लोकेशन पर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि लूकस की उसी क्लासमेट की थी जिसे क्रिएचर ने अटैक करके मार दिया था। अब ये
डेड बॉडी देखकर पॉल काफी परेशान हो गया था। यहाँ पर डॉक्टर जो पॉल को ये बताता है कि किसी जानवर ने इस बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से मार कर खाया है। ये सीन देखने के बाद पॉल को अब ये समझ आ जाती है कि इन सब डेड बॉडी के पीछे उस क्रिएचर का ही हाथ है। फिर पॉल और जूलिया लुकस को हॉस्पिटल से लेकर अपने घर आ जाती हैं और घर पहुंचने के बाद जूलिया लुकस से बातें करने लग जाती है और फिर लुकस उसे ये भी बताता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरी फैमिली मुझे लेने के लिए आ रही है और मैं उन्हें आता हुआ फील भी कर सकता हूँ। उसी वक्त घर के बाहर क्रिएचर की आवाज आने लगती है और इनके घर के बाहर एक ऑफिसर होता है जो इस आने वाली आवाज को चेक करने के लिए एक कैबिन की तरफ जाता है। वो ऑफिसर जल्दी से पॉल को भी इन आवाजों के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और पॉल गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर ऑफिसर उस कैबिन में आकर देखता है कि एक बॉक्स में लुकस का भाई लेटा हुआ है, लेकिन इसी दौरान ही वो क्रिएचर ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे खाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ही पॉल भी वहाँ आ जाता है और वो भी उसी कैबिन की तरफ जाने लगता है। अब लुकस भी अपने भाई से मिलने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन जूलिया की लाख कोशिश के बावजूद भी वो उसकी बात नहीं मानता और वो बाहर आ जाता है। कैबिन में आने के बाद पॉल को भी लुकस का भाई वहाँ नजर आता है, लेकिन अब जैसे ही वो लुकस के भाई की तरफ जाने लगता है तो पीछे से वो क्रिएचर भी आकर उस पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है, जिससे पॉल काफी जख्मी हो जाता है और अब लुकस का भाई भी वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब पॉल को ये लगने लगा था कि शायद वो क्रिएचर यहाँ से चला गया है, लेकिन वो क्रिएचर दोबारा से फिर पॉल पर अटैक करने लगता है। अब जैसे ही वो क्रिएचर पॉल को मार कर उसे खाने वाला होता है तो तभी उसे एक लोहे का रॉड मिल जाता है, जिससे वो क्रिएचर को मारने लगता है। इसी वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है। लुकस को ढूंढते हुए जूलिया भी उसी कैबिन के पास आ जाती है, जहाँ उसे पॉल मिल जाता है जो काफी जख्मी होता है। वो देखती है पॉल को क्रिएचर ने बहुत ही बुरी तरह से मार मार कर जख्मी कर दिया है। अब जूलिया उसके जख्मों पर कपड़ा बांध देती है और अपने भाई के साथ लुकस को ढूंढने के लिए उस माइन के पास आ जाती है और वो अकेले ही गन्स लेकर माइन के अंदर जाने लगती है। अंदर जाकर वो देखती है कि लुकस और उसका भाई डर कर एक जगह पे छुपे हुए हैं। फिर वो देखती है कि वो क्रिएचर भी वहाँ पर मौजूद है जो जानवरों को नोच नोच कर खा रहा था। वो क्रिएचर बहुत ही खतरनाक और भयानक नजर आ रहा था। अब वो क्रिएचर जूलिया की तरफ देखने लगता है और क्रिएचर के मुंह पर लुकस के फादर का फेस लगा होता है। अब वो क्रिएचर जूलिया पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जूलिया गन से उस पर शूट कर देती है, लेकिन माइन में अंधेरा होने की वजह से वो क्रिएचर को ठीक से देख नहीं पाती और तभी वो क्रिएचर उस पर पीछे से अटैक करने लगता है। अब जैसे ही जूलिया नीचे गिरती है तो उसे फ्लायर मिल जाती है और फ्लायर के जलते ही वो क्रिएचर उससे दूर हटने लगता है। उसी टाइम जूलिया एक अपने पास रखे हुए रॉड को उठाकर उस क्रिएचर में घुसा देती है और बार बार उस रॉड से क्रिएचर पर अटैक करने लगती है। अब लुकस एक चाकू से उसके पीछे से उस पर अटैक करने लगता है, जिससे वो क्रिएचर जख्मी होकर कमजोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो कमजोर हो गया था इसलिए उसे मारना बहुत ही आसान था। अब जूलिया एक नाइफ से उस क्रिएचर के दिल को बाहर निकाल लेती है ताकि वो दोबारा से जिंदा ना हो जाए, लेकिन उसी वक्त लुकस के भाई की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जूलिया उसके पास जाकर देखती है तो वो भी एक क्रिएचर में बदलने लगा है। तब वो उसी छुरे को लेकर लुकस के भाई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लुकस जूलिया को रोकता है और उसे अपने भाई को मारने से मना करता है और उसे कहता है कि आप मेरे भाई को मत मारें, वो ठीक हो जाएगा। तो जूलिया उसे कहती है कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जूलिया के समझाने के बाद आखिरकार लुकस अपने भाई को मारने के लिए एग्री हो जाता है और उसे अपने भाई को मारने का कह देता है। अब जूलिया लुकस के भाई के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब वो उसी छुरे से लुकस के भाई पर अटैक करने वाली होती है और रोते हुए उसे सॉरी कहती है, क्योंकि लुकस के भाई को मारते हुए उसे भी दुख हो रहा था, लेकिन उसे मारना उसकी मजबूरी थी। फिर जूलिया लुकस के भाई को मार देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पॉल और
और जूलिया एक जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो जहाँ पर जूलिया कहती है मैं लुकस को अपने पास रखूंगी और उसका ख्याल भी रखूंगी और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये कहते हुए वो लुकस को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर हम पॉल को देखते हैं जिसको अचानक से खांसी होने लगी थी और खांसी के साथ उसे भी काले रंग का खून आने लगता है। इसका मतलब ये था कि पॉल भी क्रिएचर से लड़ते हुए अब इन्फेक्टेड हो गया था। इस मूवी में हमने देखा कि एक टीचर ने ना सिर्फ अपने स्टूडेंट को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला बल्कि उसने उस क्रिएचर को भी मार डाला जो इंसानों को मार मार कर खा रहा था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।